अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 29/7/2020। बाप दादा कहते हैं कि बच्चे तुम पूरे 84 जन्मों का चक्कर लगाते हो, तो जैसे हम बच्चे जो भी कर्म करते हमारा यादगार भक्ति मार्ग में चलता है, तो इसका भी यादगार कैसे चलता। ऑलराउंड पार्ट हम बच्चे बजाते हैं तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में शास्त्र चित्र आदि गाड़ी में रखकर परिक्रमा देते हैं। हमारे हर कर्म का कोई ना कोई रस्म रिवाज भक्ति मार्ग में और दुनिया में चलता ही रहता है। फिर बाबा आज ये भी बता रहे हैं कि बच्चे बाप का परिचय तो सबको देना है, परंतु मुख्य बात है गीता का भगवान कौन। तो उसके विषय में भी आज बाबा बता रहे। हमेशा बाबा कहते हैं बच्चे गीता का भगवान अगर सिद्ध हो गया तो जय जयकार आरंभ हो जाती है।
भगवान को पहचान लिया तो बाबा प्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध कर, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। गीता का भगवान सिद्ध करो तो तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया तो उसकी रसम भक्ति में चल रही है। तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया उसकी रसम भक्ति में चल रही है, वह कौन सी? उत्तर है, तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया तो वो फिर सब शास्त्रों को, चित्रों आदि को गाड़ी में रख कर चारों ओर परिक्रमा लगाते, खुद भी ऐसे परिक्रमा लगाते। कॉमन लोग मंदिर में जाते हैं तो भी वो पूरे मंदिर की परिक्रमा लगाते। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं घर में आकर सोला देते, क्योंकि हम बच्चे भी पूरा एक कल्प का पार्ट ले करके कहां जाते? अपने घर जाते, आराम करते, विश्राम करते। तो बाबा कहते फिर घर ला करके उनको सुला देते। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो तो उस चक्र के बदली में उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया, ये भी रसम है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर करो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है वा अनेक है, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना। बाप तो एक ही होता, शरीर का बाप एक, आत्मा का बाप एक, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना है कि बाप रचिता, गॉड फादर एक ही है और वो सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वो बिंदी है। जब बाबा का परिचय देते हैं ना तो बाबा विधि देखो कितनी अच्छी सिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये पूछो, दो बाप का भी बाबा बताते हैं। फिर बाबा कहते स्टार्टिंग में नहीं कहना कि भगवान बिंदी है, मुझे जाएंगे। बाबा का परिचय देते देते धीरे धीरे वो समझते हैं, तो ये नहीं कहना शुरू में कि वह बिंदी है, इसमें मुझे पड़ेंगे। पहले पहले अच्छी रीत समझाओ कि दो बाप है। दो बाप को समझना और समझाना बहुत ही इजी है, क्योंकि हर व्यक्ति शरीर के पिता को जानता है और फिर हर व्यक्ति परमात्मा को तुम मात पिता हम बालक तेरे कहता है। तो दो बाप बहुत सहज रीति से सिद्ध हो जाते हैं। तो बाबा कहते दो बाप में बताओ, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हरेक का होता ही है, लेकिन उनको तो हम कोई जो दूसरा है उनको हम कहेंगे खुदा। लौकिक को तो खुदा, गॉड गॉड या भगवान नहीं कहेंगे ना। तो लौकिक तो हरे का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई ऊपर वाले को गॉड कहेगा, वो एक ही है। तो सब एक को याद करते हैं। पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला। वह यहां आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने। शिव जयंती भी कहते हैं ना, ये भी तुम बच्चे जानते हो। स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचेंगे। बाबा कहां के स्वर्ग रचेंगे?
भारत में ही रचेंगे। जिसमें देवी देवताओं का राज्य होता, तो पहले पहले बाप का परिचय देना है, क्योंकि अगर बाबा में उनको निश्चय बैठ गया, भगवान समझ लिया, तो आगे जो भी हम ज्ञान सुनाएंगे वो उनको सहज बुद्धि में बैठेगा कि भगवान वाच्य है, तो गलत का प्रश्न ही नहीं है, संशय का प्रश्न नहीं है। तो इसीलिए पहले बाबा का परिचय देना जरूरी है। पहले पहले बाबा का परिचय देना है, उनका नाम है शिव, गीता में भगवान वाच्य है ना, पहले पहले तो ये निश्चय कराकर लिखा लेना चाहिए। कई बार बाबा बताते हैं ना कि जब हम कोर्स कराते हैं, समझाते हैं, और समझते समय उनको ये फील होता है कि हाँ ये बात तो सही बता रहे हैं, ये बराबर है, तो जैसे ही उनको ऐसे लगता है तो बाबा कहते बच्चे लिखा लो, पक्का हो जाएगा। गीता में है भगवान वाच्य, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, अर्थात नर से नारायण बनाता हूं। तो ये कौन बना सकता है, तो जरूर समझाना पड़े ना, कौन बनाएगा नर से नारायण, मनुष्य तो नहीं बना सकता। भगवान कौन है, फिर यह भी समझाना होता है। सत्युग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वही तो 84 जन्म लेते होंगे, पीछे फिर और धर्म वाले आते, विधि से एक एक बात समझा रहे, उनके इतने जन्म तो नहीं हो सकते, पीछे जो आते हैं धर्म अलग अलग धर्म के धर्म स्थापक हैं, आत्माएं हैं, जितना पीछे आती है पूरे 84 जन्म उनके नहीं हो सकते, पहले आने वालों के 84 जन्म होते हैं। सत्युग में तो कुछ सीखते ही नहीं है, जरूर संगम पर सीखते होंगे, वहां तो जाके प्रारब्ध भोगेंगे। तो पहले पहले क्या करना है, हम बच्चों को बाबा का परिचय देना है। कोई भी आत्मा मिले बाबा का परिचय दो। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, हर एक जानता है, शरीर छोड़ा आत्मा निकल गई, उनकी आत्मा को भगवान शांति देवे, परमात्मा शांति देवे, तो आत्मा शब्द तो सब जानते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको, बोलो आत्मा देखने में आती है, नहीं देखने में आती है, वैसे ही परमात्मा भी देखने में नहीं आता, पर आत्मा को हम समझ सकते हैं, आत्मा शरीर में है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, तो उसको समझना होता है, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते हैं, बुद्धि से समझते हैं कि वो हम आत्माओं का बाप है, और उनको कहते परमात्मा है, तो वो भी आत्मा पर परमात्मा, वह सदैव पावन है, उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है ये सिद्ध कर बताने से क्या होगा, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है ना, वो सिद्ध हो जाएगा, अंडरस्टूड सिद्ध हो जाता है। दो बाप का परिचय दिया, लौकिक को तो समझ लिया, जब पारलौकिक को समझ लिया कि भगवान कौन है, भगवान शिव है, तो अंडरस्टूड है गीता में भगवान वाच्य है, तो जो भगवान है वही तो गीता का ज्ञान सुनाएगा, तो गीता का भगवान भी अपने आप सिद्ध हो जाता है। तुम बच्चों को सिद्ध करके बताना है। एक बाबा को ट्रुथ कहा जाता, बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें ये तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है, ज्ञान का तो उनमें वर्णन नहीं है, यहाँ तो कोई शास्त्र नहीं है, बाबा आकर सारा राज सार समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है ना कि साकार,
साकार को भगवान कह नहीं सकते और कृष्ण साकार दिखते हैं। परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच ज्ञान का सागर सबका बाप वही है। श्री कृष्ण तो सबका बाप नहीं हो सकता, वह किसको ये तो नहीं कह सकता क्या कि देह के सब धर्म छोड़ मां में कम याद करो, क्योंकि खुद की देह है तो वो ये नहीं कह सकता। विदेही बाप होगा, भगवान होगा, वो कह सकेगा। है तो बहुत ही सहज, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए, इतना पक्का संस्कार हो गया, कृष्ण को इतना पक्का समझ लिया गीता का भगवान और सर्वव्यापी, जो बुद्धि से निकलता ही नहीं है क्योंकि जन्म जन्मांतर से सुनते आए। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रखकर परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथों को परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर के सुला देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा उसका रहस्य बता रहे, हम देवता से क्षत्रिय फिर वैश्य फिर शूद्र बनते हैं, ये हम चक्र लगाते हैं, चक्र के बदले वो फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाकर के रख देते हैं। उन्हों का एक दिन मुकरर रहता है, परिक्रमा दिलाने का दिन मुकरर रहता है। जबकि वो परिक्रमा तब दिलाते हैं। फिर बाबा वापस वही बात बता रहे, पहले पहले ये सिद्ध करके बताना है कि श्री कृष्ण भगवान वाच्य नहीं है, परंतु शिव भगवान वाच्य। शिव पुनर्जन्म रहित है, वो आते तो जरूर है परंतु उनका जन्म दिव्य है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, प्रवेश करते हैं, रथ लेते हैं, पतितों को आकर के पावन बनाते हैं। रचता रचना के आद मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई जानता ही नहीं है। बाप को आप ही आकर अपना परिचय देना होता है, बाबा को जानते ही नहीं हम बच्चे, तो बाबा कहते मुझे आकर खुद बताना पड़ता है, मेरा परिचय देना पड़ता है। तो मुख्य बात है बाबा के परिचय, पहले पहले ज्ञान आत्मा परमात्मा का देना जरूरी है। वही गीता का भगवान है, ये तुम सिद्ध कर बताएंगे तो तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर, अब बाबा प्लान भी कह रहे, पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि लगाकर एरोप्लेन से गिरानी चाहिए। गीता के भगवान को सिद्ध करो, जो बहुत जरूरी है। अब समय भी आ गया और अभी काफी प्रोग्राम हो भी रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे पर्चे छपा करके लिखत से अच्छी तरह और फिर एरोप्लेन से गिराओ। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं, तुम्हारी मुख्य अगर एक बात में जीत हुई बस तुमने जीत पाई। लास्ट है हमारा ये गीता का भगवान सिद्ध करना, इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा, इसमें कोई खिटखिट नहीं करेंगे। ये बड़ी क्लियर बात है, देखा जाए तो भगवान का परिचय भी जो गीता के भगवान में है, गीता के शास्त्र के अंदर है, वो बड़ा क्लियर है। वो सिद्ध करता है कि देहधारी भगवान हो नहीं सकता। बाबा कहते मैं सर्वव्यापी भी कैसे हो सकता हूँ, मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते हैं ना कि आकर के पावन बनाओ, रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाबा की अलग है और कृष्ण की अलग है, कितना फर्क है दोनों की महिमा में। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि बच्चे दोनों की महिमा सामने रखो तो मालूम पड़ेगा कि वो देहधारी है वो निराकार है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर कृष्ण व नारायण बनता, शिव बाबा ही कृष्ण बने नारायण बने या 84 जन्मों में आते, नहीं। तुम्हारी बुद्धि ये सारी बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए,
ये जो बाबा बता रहे हमको, बाबा कहते जब तुम समझाते हो ना तो बुद्धि में आना चाहिए, तब तो हम दूसरों को बता सकेंगे। तो मुख्य है गीता, भगवान वाच्य है, तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान कैसे बोलेगा, भगवान वाच्य है तो कैसे बोलेगा। भगवान तो निराकार है, आत्मा तो मुख बिगर बोले कैसे। तब बाबा कहते कि मैं साधारण तन का आधार लेता हूं, भगवान को आधार लेके आना पड़ता। तो जो पहले पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही फिर 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते, वही तन में भगवान आता। कृष्ण के बौद्ध जन्मों के अंत में आते हैं। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि हम कैसे किसको समझाएं। पहले तो मंथन करो, मनन करो, पॉइंट्स निकालो, बुद्धि में रखें, हम खुद समझें उन बातों को। बाबा तो मुरली में रेडी करके देते हैं, फिर मनन मंथन करके खुद को पक्का करके फिर बाबा कहते हैं दूसरों को समझाओ। ये सेवा तो बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुमको उनको समझाना है, मंथन करके समझाओ, एक ही बात में तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। बस अभी समय आ गया, विनाश भी आरंभ हो गया, अब गीता का भगवान सामने आ जाएगा, रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा, फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी तो देखो सब घर में बैठे हुए हैं, देखो अभी आगे ड्रामा क्या दृश्य दिखाता है। तुमको बुलाएंगे कि यहाँ करके भाषण करो, इसलिए पहले पहले अल्लाह को सिद्ध करके समझाओ, भगवान एक है ये पहली बात बताओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद भारत में भाग्यशाली रथ में आते हैं। ये है सौभाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा, जिस रथ में भगवान आकर के बैठ, तब तो ब्रह्मा बाबा को इतना नशा रहता ना कि भगवान ने इस रथ का आधार लिया, भाग्यशाली रथ है। तो भगवान आकर बैठते कोई कम है क्या। भगवान इनमें बैठकर बच्चों को समझाते हैं, क्या समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूं। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है, अंतिम जन्म है, पर आत्मा वही है, वो खुद कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म के फीचर्स ऑक्यूपेशन बदलते रहते, एक जन्म का फीचर दूसरे जन्म में नहीं मिले, हर फीचर्स हर जन्म में अलग। तब तो बाबा कहते ना बच्चे चिंतन करो मनन करो तो वंडर लगेगा, कितने लोग कितने अलग अलग फीचर्स और कितने जन्मों में अलग अलग, कितनी बड़ी कुदरत है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूं वो फिर जाके कृष्ण बनता, वही आत्मा है, वही जाके फिर कृष्ण बनता। आते तो संगम युग पर है, हम भी बाबा का बनकर बाबा से वर्षा लेते हैं, बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं, और तो कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं बच्चे माँ में कम याद कर, तो अच्छी रीत विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें, पैम्पलेट्स बनाते, कार्ड बनाते, फोल्डर बनाते। बाबा कहते मंथन करो कैसे लिखें, क्या शब्द डालें जो मनुष्य पढ़ करके समझे या यहाँ आकर के पूछे। यही मुख्य तो मिस्टेक है ना गीता के भगवान की, जिस कारण भारत अनराइटियस इरिलीजियस इनसॉल्वेंट बना। कौन सी भूल के कारण, गीता के भगवान के कारण भारत अनराइटियस इरिलीजियस इनसॉल्वेंट बना। बाबा फिर आकर के राजयोग सिखाते हैं, भारत को राइटियस
साल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम हो सतयुग में। कहते हैं ना, विश लॉन्ग लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी। विश करते किसको? कहते विश लॉन्ग लाइफ एंड प्रोस्पेरिटी। बाबा आशीर्वाद नहीं देते कि सदा जीते रहो, ये तो साधु लोग कहते अमर रहो। बाबा का तो परमानेंट, हाँ, आधा कल्प के लिए अविनाशी वर्षा मिल जाता। और आगे भी बाबा ही हमारा समय ध्यान रखते। 84 जन्म देखा जाए तो बाबा की हम बच्चों के ऊपर छत्र छाया हाथ रहता ही है। तो बाबा कहते ये भक्ति मार्ग में साधु लोग कहते ना अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर हम अमरपुरी में रहेंगे ना, मृत्यु लोक में फिर अमर हम कैसे कह सकते हैं। जो बच्चे तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं ना तो बाबा से राय पूछते हैं, तो बाबा एडवांस राय देते, पहले से ही बच्चों को राय देते। सब अपनी अपनी राय लिख भेजे, फिर भले इकट्ठे भी हो, राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है ना। फिर भले आपस में मिलो और उस बात को डिसाइड करो। और बाबा इन जनरल मुरली के अंदर सभी बच्चों को प्लान बना के देते, राय देते, श्रीमत देते और क्या चाहिए हम बच्चों को रेडी करके देते बाबा। तो बाबा कहते राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है, 2-3 हजार खर्चा बच जाए, इन 2-3 हजार से तो 2-3 सेंटर भी खोल सकते हैं। हाँ, ये तो तभी की बात है, तभी 1000 रुपए की कितनी वैल्यू थी, अभी क्या है, 1000 तो 100 के भी बराबर हो गया। फिर उसके बाद लाख की वैल्यू थी, लखापति माने बहुत बड़ी बात थी, अब लाख की कोई वैल्यू नहीं, करोड़ करोड़ से भी आगे जा रहे। तो बाबा कहते हैं अरे 2-3 हजार में तो कोई सेंटर भी खोल सकते, गांव गांव में जाना चाहिए चित्रा आदि लेकर के। तुम बच्चों का ज्यादा इंटरेस्ट है ना सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात बाबा बता रहे, क्योंकि संगम ऊपर सूक्ष्म वतन का पार्ट है, ध्यान में जाते हैं, साक्षात्कार होता है, लेकिन बाबा कहते ज्यादा इंटरेस्ट मत लो। सहज जो दिख गया, साक्षात्कार हुआ या अनुभव हुआ ठीक है, पर उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं तो उसके ऊपर थोड़ा समझाया जाता, ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शंकरपुरी दिखाते हैं ना, तो इनों का बीच में थोड़ा पार्ट है, तुम जाते हो मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं, इसलिए इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। बाबा जब हम आत्मा के प्रति भोग लगाते हैं, बाबा इमर्ज करके देते हैं तो वो मिलती है, बाबा भोग स्वीकार कराते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई के दुख के आंसू बहाते हैं। तो ये सब ड्रामा में पार्ट है, इनको चिटचैट कहा जाएगा। हम बच्चों को थोड़ा बहलाने के लिए बाबा ने संगम युग पर ये सूक्ष्म वतन का पार्ट रखा है। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते, श्राद्ध खिलाते, पितर खिलाते, घर में ब्राह्मण को बुलाएंगे तो सोचेंगे उसमें वो आत्मा आकर के भोजन खाएगी। तो बाबा कहते ब्राह्मण को बुलाते, उसमें उस आत्मा को बुलाते, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे, दक्षिणा जरूर देते हैं, कोई चीज उनकी रह गई, कोई इच्छा रह गई तो वो भी उनको ब्राह्मण को दान दे देते, समझते उस आत्मा को पहुंच जाएगा। तो ये भी रसम भक्ति मार्ग में जो चली है ना, वो हमारे संगम युग के कर्म करने की चली है। जब हम बाबा को भोग लगाते, ये भी एक निमित्त मात्र, बाबा ने बहुत अच्छा कारण या कहें कि एक रसम रखी, क्यों कि हमारा भाग्य बनता। हम बाबा को भोग लगाते, बाबा उन आत्माओं तक पहुंचाते हैं, लेकिन भाग्य किसका बनता है, मेन भाग्य हमारा बनता। फिर जिन आत्माओं के निमित्त लगाते उनका भी भाग्य बन जाता है।
तो बाबा कहते भक्ति मार्ग में फिर ऐसे ब्राह्मणों को दान करते हैं, और जब हम बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो हम सेंटर पर दे देते हैं। अब शरीर तो वो खत्म हो गया, बाकी पहनेगा कौन? मान लो उनको धोती दिया, कुर्ता दिया, ब्राह्मण को दिया, अब वो आत्मा तो नहीं पहन सकती है, पहनेगा तो ब्राह्मण ही, पर संतुष्टता मिलती है, संतोष मिलता है कि हमने उस आत्मा के प्रति दान किया, और सच्चे दिल से होता है, वाइब्रेशन पहुंच जाते हैं। तो हम बच्चे फिर यहां वो कर्म करते हैं। तुम्हारे पास इस टाइप से ब्राह्मणों की रसम नहीं है कि श्राद्ध खिलाया, बाबा को भोग लगाते, और रोने की तो यहाँ बात ही नहीं, बाबा ने तो बोल दिया हुआ है, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, रोने की तो कोई यहाँ बात ही नहीं है। तो ऊंचते ऊंचे बनना है, वो कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है जब हम पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे कि भाई ये तो बिल्कुल ठीक बताते हैं, भगवान कभी झूठ थोड़े ही बता सकते हैं। फिर बहुतों को प्यार, बहुतों का प्यार भी होगा और बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती है, ऑटोमेटिक बाबा से पॉइंट्स समय के पहले भी बोलो तो चलेगा, बाबा रेडी करके देते, हमें पूछना नहीं पड़ता। कई बार बाबा कहते हैं पढ़ाई है, कई बातें बाबा बाद में बताते, तो बाबा समय पर बता ही देते हैं। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे, लड़ाई लगेगी, बॉम्ब से छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ, क्योंकि यहां तो रक्त की नदियां बहेंगी, जो अन्य खंड है वो तो बाबा कहते फट से खत्म हो जाएंगे, और भारत जिसमें दूध घी की नदियां बही थी, रक्त की नदियां बहेगी, फिर घी दूध की नदी। पहले पहले धुआं विलाज से निकलेगा, डर भी वहां है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को ही खलास कर दे, इतने बड़े बड़े बनाए बॉम्ब्स, कुछ सेकंडों के अंदर, मिनटों के अंदर कहां से कहां तक लोग खत्म हो जाएंगे, पूरा शहर खत्म हो जाएगा। वह भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की, हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर ही आते ना, तुम जानते हो कि अभी संगम है, तुमको मुख्य बात समझाई जाती है। बाबा जो मुरली में बारंबार बात कहते हैं, बाबा कहते हैं मुख्य बात कौन सी है जो भूलनी नहीं है, वो है बाबा को याद करना, क्योंकि उनसे ही पाप कटेंगे। तो बाबा को याद करना, पाप उनसे कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था मामे कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे और मुक्ति धाम चले जाएंगे। फिर पहले से लेकर वापस चक्र रिपीट होगा, डिटिज्म, फिर इस्लामिज्म, फिर बुद्धिज्म, जो कल्प वृक्ष के अंदर भी समय भी दिया है, समय पर आ जाएंगे सब। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में ये सारी नॉलेज होनी चाहिए, याद रखना है क्राइस्ट को कितना समय हुआ, बुद्ध को कितना समय हुआ, इस्लाम धर्म को कितना समय हुआ, हर एक को याद रखना जरूरी है। अगर नहीं याद है तो याद करो, पक्का करो, तब तो हम किसको बता भी सकेंगे। तो बाबा कहते नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, खुशी रहती है, हम कितनी कमाई करते हैं, ये अमर कथा अमर बाबा तुमको सुना रहे, तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं, मुख्य पहले पहले डिटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता, फिर अनेकानेक धर्म और अनेक मतें हो जाती है, ये एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है,
द्वैत की बात नहीं, ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही समझाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी में रहना चाहिए, ये सब बातें मनन चिंतन करके बाबा कहते बच्चे खुशी बढ़ती जानी चाहिए। तुम जानते हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे और क्या चाहिए। याद रखो शुद्ध अहंकार, देह अभिमान या वो अहंकार नहीं, विकार नहीं, शुद्ध अहंकार। हर विकार को शुद्धता में परिवर्तन करना है। इसी प्रकार ये हमको फखुर होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, नाज होना चाहिए। भगवान पढ़ा रहे और भगवान ने मुझे ढूंढा, मुझे अपना बनाया, मैं वो पढ़ाई पढ़ रही हूँ, पढ़ रहा हूँ, कितना बड़ा सौभाग्य। तो और क्या चाहिए, पार ब्रह्म परमेश्वर वो मुझे मिल गया। जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती है, या फिर निश्चय में कहाँ संशय है, कहाँ न कहाँ संशय है, व्यर्थ है। बाप में संशय नहीं लाना चाहिए, माया संशय में ला करके भुला देती है। बाबा ने समझाया है माया आंखों के द्वारा बहुत ही धोखा देती है। विकार की बात तो है ही है, क्रिमिनलिटी तो है ही है, पर बाकी सारे विकार भी है ना, आंखों के द्वारा पता चलते, अनुभव होते हैं। क्रोध में देखो आंख कैसी हो जाती है, ऐसे ही लोभ मोह अहंकार आंखों से अनुभव होता, आंखें बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे दिल बित बित करेगा, खाएं खाएं, मुझे मिले मुझे मिले, अपनी कोई फेवरेट चीज है नहीं, अनासक्त। चाहे कोई भी चीज बने, हमारी स्थिति एक रस, ये जरूर हम चेक करें कि हमारी बुद्धि तो नहीं जाती। दिल बित बित करे, आंखों से देखते हैं तो दिल करेगी ना। अच्छा, आंखों से देखते तब तो क्रोध आता है ना मारने के लिए, तो हर विकार के लिए आंख निमित्त बन जाती है। इसलिए हमें क्या करना होगा, आंखों में नैनों में बाबा को बिठाना होगा। बाबा कहते हैं ना तुम मेरे नूरे रत्न हो, कितना अच्छा टाइटल दिया नूरे रत्न। तो एक आंख में शांति दाम, एक आंख में सुख दाम, या तो फिर बाबा को समय रखो, जो भी मुझे देखे मेरे नैनों से आत्मा, और उनको देखकर नैनों को देखकर उन्हें बाबा की याद आ। आज हम दादियों को देखते हैं, दादियां हमें दृष्टि देती, भले कुछ सेकंडों की दृष्टि, याद कौन आता है, बाबा तुरंत याद आता है एक सेकंड में। तो मेरे नैनों को देखकर सबको बाबा की याद आ, तब हमारे नैन बड़े ठंडे शीतल कहे जाएंगे। तो बाबा कहते सारे विकार भी आंखों से दिखते हैं ना, क्रोध आता है मारने के लिए, अगर देखे ही नहीं तो मारे कैसे। आंखों से देखते हैं तो लोभ पैदा होता, मोह भी होता, तो मुख्य धोखा देने वाली कौन रही, आंख। नूर है तो जान है, ये भी कहा जाता, अंधों को पता ही नहीं हरा रंग क्या, लाल क्या, गुलाबी क्या, दुनिया क्या, कुदरत क्या। तो भगवान ने जो हमें आंखें दी है उसके अंदर अभी हम अलौकिकता लाए, आत्मिक दृष्टि वृत्ति और आत्मा को देखें, इन आंखों से बाबा का साक्षात्कार हो। तो मुख्य धोखा देने वाली है आंख, इन पे पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है,
ऐसे भी नहीं कि आंखों को निकाल दे, सूरदास की तरह अंधे हो जाए, नहीं। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है, परिवर्तन करना है, हमें चेंज होना है। और चेंज करता है बाबा, कैसे? बाबा के संग अगर मन बुद्धि है, ये मुरली जो है ये बाबा का संग है जो हमें परिवर्तन करती है, हमारे विचारों में परिवर्तन आता, संकल्प हमारे व्यर्थ से समर्थ, अयोग्य से योग्य, रॉन्ग से राइट में परिवर्तन होते हैं। ऐसे ही आंखें भी जो हमारी पहले क्रिमिनल थी वो सिविल बनती है। तो आंखों को नहीं निकालना है, आंखों में परिवर्तन लाना है, सिविल आई बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सदा ऐसी नशे खुशी में रहना है। क्या नशा दिया बाबा ने हमको? भगवान पढ़ाते हैं, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है और शुद्ध अहंकार रखना है। दूसरा, सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सत्वप्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाबा का सही परिचय देना है। बताया ना, बाबा ने दो बाप, बाबा का परिचय और फिर गीता का भगवान वरदान है। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले। अभी हमको पदम गुणा रिटर्न मिलता है ना। संगम युग के महत्व को जानकर एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है। क्या वायदा है? 1-2 लाख लो। अभी तो बाबा पदम दे रहा है, 1-2 लाख लो। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के है ना, संगम के, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव भी अभी होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वंट के रूप में बांधा हुआ। देखो निरंकारी बाबा सर्वंट के रूप में बांधा हुआ। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब चीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वो सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हैं। वरदान है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन क्या नहीं जाए, खुशी नहीं जाए। परिस्थिति तो आती जाती रहेगी, उसको पार्ट मिला हुआ है, आएगी और चली जाएगी, पर हमारी खुशी जो है वो हमारे पास रहे, ये हमेशा ध्यान रखें। अच्छा, ओम शांति। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे
तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम रहे।